नमस्कार, द्विवेदी जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम काबली चना का छोला बनाएंगे, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। शादी पार्टी में खासकर ज़्यादातर ये छोला यूज किया जाता है। तो आज हम सोचे क्यों ना घर पे बनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 5 से 6 घंटे के लिए हम भिगो के रख दिए थे। उसके बाद हम अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं और इसे हम कुकर में डाल के छोले के लिए बॉयल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो है 4 से 5 कलियाँ आंवला है, कच्चा आंवला जो घर पे हम लोग ले आते हैं ज़्यादातर, तो उसको हम सुखा के रखे हैं। इसे डालने के बाद इसका कलर अच्छा आता है छोले का, इसलिए हम ज़्यादातर इसे यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है रीठा, चाय की पत्ती लोग यूज करते हैं, तो आप चाहें तो चाय की पत्ती भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो है आंवले का कलर और स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 चुटकी सोडा डाले हैं और स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। 1 चुटकी हींग है। सोडा इसलिए हम डाले हैं कि थोड़ा सा काबली चना हार्ड होता है, तो सोडा डालने के बाद अच्छी तरह से गल जाता है। अब यहाँ पे हम 3 कप पानी डाले हैं। पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि फूलने के बाद पानी हमारा चना जो है सोख लेता है। अब इसके बाद इसमें जो पुटली हम बना के रखे थे उन्हें भी हम डाल दिए हैं। अब इसके बाद चलिए अब गैस हम जला के इन्हें रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस हम जला दिए हैं और इसको हम इस पे रख दिए हैं। मीडियम आंच पे हमें 4 से 5 सीटी दिलाना है। 5 सीटी बाद आइए हम इन्हें चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं चने का कलर जो है थोड़ा सा अलग हो गया है और इसका छोला जो है बहुत स्वादिष्ट बनने के बाद होता है। अब इसकी पुटली जो है हम निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं, इनका यूज नहीं हमें करना है। और ये जो चना है हमारा, तो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और मुलायम गल के हो गया है। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह। चार से पांच आदमी के लिए ये चना हमारा पर्याप्त है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कढ़ाई रखे हैं और गैस को हम जला दिए हैं। गैस हमारा मीडियम आंच पे है। कढ़ाई हमारी गरम हो गई। अब इसमें हम डालते हैं बड़े चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डालते हैं छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच जीरा, 1 खड़ा दालचीनी और 2 जो है बड़ी साइज प्याज है, जिसे हम मिक्सर में बारीक पीस लिए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा हम चलाते हुए भून ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें चला के फ्राई कर लेना है। अब इसमें डालते हैं हम छोटे चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। और इन्हें बस थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर दे रहे हैं। बिल्कुल धीमा आँच है इस वक्त। आँच का ध्यान दें, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। अब इसमें हम डालते हैं 2 टमाटर की प्यूरी है, इसमें 2 हम हरा मिर्चा पीस लिए हैं साथ में ही मिक्सर में, और ये दोनों मसाला में डालते हुए हम भून लेंगे। और इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मसाला से तेल अलग ना हो जाए। तो इन्हें ढक के हम धीमी आँच पर भून ले रहे हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच बीच में हम चलाते हुए इन्हें भुने हैं। तेल से मसाला अलग हो गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालते हैं चना जो हम बॉयल करके रखे थे, उसका पानी भी हम फेंके नहीं है, पानी के साथ ही हम चना को कढ़ाई में डाले हैं। और यहाँ पर डालते हैं 1 चम्मच गरम मसाला, तो चना अभी हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम डालते हैं 1 कप और पानी। और धीमी आंच पे हम इन्हें ढक के छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम 1 चुटकी चीनी डाले हैं, चीनी डालने से फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और इन्हें हम बस धीमी आंच पे हम 5 मिनट के लिए छोड़ दिए। आप देख सकते हैं चना जो है हमारा, चने का छोला बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। रोटी से खाएं या चावल से खाएं या पूड़ी से, तो चलिए अब इन्हें हम प्लेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल हम रखे हैं और इसमें चने के छोला हम निकाल दे रहे हैं। और चने का छोला हमारा बहुत लाजवाब बन के हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए, धन्यवाद।